हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और बहुत सारे लोग सो रहे होंगे, बहुत सारे लोग वॉक कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे। अच्छी बात है, मैं भी करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा थॉट लेके आई हूँ और आप जानते हैं कि मैं थॉट अगर बोलूँगी तो थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी, तो सुनिएगा। आप पूरी दुनिया में है ना, आप पूरी दुनिया में अपने आस पास या फिर कहीं भी जो भी आपके ऊपर हंसते हैं, आप उनकी हंसी नहीं रोक सकते, मगर आप अपने आंखों से बहते हुए आंसू रोक सकते हो। आप किसी का माइंडसेट नहीं बदल सकते, आप अपना माइंडसेट बदल सकते हो, है ना। क्योंकि ये पूरी दुनिया चाहेगी, आसपास के लोग चाहेंगे, जो आपको पसंद नहीं करते हैं वो चाहेंगे कि आप रोते रहो और वो हंसते रहें, वो गुनगुनाते रहें, है ना। तो ये पूरी दुनिया चाहेगी, ये पूरी दुनिया चाहेगी कि कब आप एक गलती करो और वो आपको सुनाते रहें। ये पूरी दुनिया चाहेगी या आसपास के लोग चाहेंगे जो आपको पसंद नहीं करते हैं कि आप टूट जाओ और उनकी बातों में फंस जाओ। इसीलिए ज़रूरी है कि खुद का माइंडसेट चेंज करो। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आप जो बदलाव पूरे दुनिया में देखना चाहते हो वो अपने अंदर बदलाव करो पहले, तभी पूरी दुनिया का नज़रिया, आप जो आप देखते हो ना जिस नज़रिए से, वो चेंज हो जाएगा। सीरियसली मैंने किया है ये चीज़, कुछ और नहीं है। कुछ छोटे छोटे चेंजेस होते हैं ज़िंदगी में जिन्हें हमें, कुछ छोटी छोटी सोच होती है, कुछ छोटी छोटे छोटे थॉट्स होते हैं जिन्हें हमें बदलना होता है अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है, फिर डर नहीं लगता कि कौन क्या करने वाला है या कौन क्या कहने वाला है किसी से हमारे बारे में। इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और क्या करते हैं अच्छा काम। पूरी दुनिया में हर कोई आपको ब्लेम भी कर सकता है और हर कोई आपको कुछ आपकी बुराई भी कर सकता है, लेकिन आपकी लाइफ में दो लोग ऐसे होते हैं, या फिर कह सकते हैं तीन लोग या फिर चार लोग, एक मम्मी, एक पापा, एक खुद के प्रति खुद का विश्वास, एक खुद के प्रति खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत, और चौथा आपका भगवान। ये चार लोग ऐसे होते हैं लाइफ में कि आपको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं, आपको कभी भी ब्लेम नहीं करते हैं, आपको कभी भी आपसे हिसाब नहीं मांगते हैं। अगर पेरेंट्स हिसाब मांगने लग जाएं तो सारे जितने भी दुनिया भर के बच्चे हैं ना, वो कटोरा लेके घूमेंगे बाहर। और ये सच्चाई है, एक पेरेंट, एक मम्मी पापा ही ऐसे हो सकते हैं जो कभी भी हमें हिसाब नहीं मांगते। हाँ, थोड़ा बहुत हिसाब रहता है कि किराने की दुकान पे भेजा और कितने पैसे लगे, क्या है क्या है, ये सब एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये सब तो एक लाइफ का एक रूल्स है जो हमें बताने होते हैं। लेकिन रियली आप अपनी मम्मी पापा से जितनी भी लड़ाई कर लो, लेकिन आपकी मम्मी पापा एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन आपसे बात करेंगे, वो भूल जाएंगे, वो आपकी सारी चीज़ें माफ़ कर देंगे। ये होता है प्यार, और ये प्यार बहुत शायद ही आपके दोस्त में आपको देखने को मिले या फिर आपके आसपास के और किसी मेंबर में देखने को मिले, लेकिन जो माँ बाप का प्यार होता है ना, वो प्रीशियस होता है, वो अनमोल होता है, वो कोई नहीं देख सकता, दे नहीं सकता आपको। ठीक है, आप लाइफ में बड़ी गलती करते हो, माँ बाप थप्पड़ ज़रूर लगाएंगे आपको, लेकिन जब आप उस गलती को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे तो वही आपको थपथपाएंगे। पूरी दुनिया आपकी वो गलती बार बार आपको याद दिलाएगी कि आपने ये गलती की थी पास्ट में, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको थपथपाएंगे कि हाँ, मेरा बच्चा सही रास्ते पे जा रहा है। इसीलिए आप अपना माइंडसेट चेंज करें, आप खुश रहें, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स कोई नहीं बदल सकता, आपका माइंडसेट कोई नहीं बदल सकता, आपके माइंड में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, कितनी टेंशन है, वो भी कोई चेंज नहीं कर सकता सिवाय खुद के और अपने पेरेंट्स के और अपने भगवान के। मैं ये भी एक चीज़ कह सकती हूँ बहुत गर्व के साथ कि अगर कभी भगवान जी, पता है आपको भगवान क्यों नहीं हमारे सामने आके बैठते हैं, क्यों नहीं हमसे बात करते हैं जैसे और लोग करते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो मनुष्य के साथ बैठने लग जाएंगे तो एक मनुष्य, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बुराई करेगा कि भगवान आप इससे बात मत करना, ये बहुत ख़राब है, इसने पास्ट में ये सब चीज़ें की थी, इसका तो ये चीज़ था। इसीलिए भगवान कभी भी सामने आके हमसे बात नहीं करते, यही रीज़न है कि लोग उनको भी भड़काने लग जाएंगे, लेकिन भगवान इतने भी बेकार सोच नहीं रखते, अगर वो रखे होते तो शायद हमसे बात भी कर रहे होते।
इसीलिए भगवान को हर जगह महसूस करो, अपने अंदर बाहर हर जगह, और अपने माइंडसेट को बदलो, क्योंकि आपकी दिमाग की जिम्मेदारी, आपकी मेंटल हेल्थ की जिम्मेदारी, आपकी हर एक एक चीज़ की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। अगर आप मर जाओ और आपकी चिता जल रही हो तो कोई भी कितना भी बड़ा प्रेमी क्यों ना हो, वो आपके साथ नहीं लेटेगा आके। वो जब आप जिंदा होगे तो हज़ार तरीके की बाउंडेशन, हज़ार तरीके की चीज़ें बोलेगा आके, लेकिन जब आप मर गए होगे तो कोई भी आपके साथ चिता पे नहीं लेटता। इवन जब पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है तो कोई बच्चा आके नहीं लेट जाता है उनके साथ, है ना। तो ये लाइफ की सच्चाई है, लाइफ आगे बढ़ती जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, लोग आएंगे जाएंगे, चलता रहेगा, लेकिन एक माइंडसेट हमारा, एक अच्छा माइंडसेट हमारा आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। जब मेरी कर सकता है तो किसी की भी कर सकता है, है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हो सकता है कि शायद आपको ये थोड़ा सा नो बहुत फिलोसफी लगे, लेकिन एक्चुअली में ये लाइफ की रियलिटी है, ये रियल वैल्यूज़ हैं जो हम नहीं देखते हैं, और ये सब चीज़ें हमें कोई नहीं समझाएगा, मुझे भी किसी ने समझाई नहीं है पर्सनली। पर हाँ, मेरे अंदर एक ये चीज़ है कि मैं चीज़ों को ढूंढती बहुत हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ढूंढती हूँ। तो ज़रूरी है कि हमारे प्रति हमारा क्या माइंडसेट है, हमारे प्रति हमारी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है, और किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो इंसान बदलाव नहीं कर सकता, जो इंसान दूसरों को खाली ब्लेम करता है उसके पास्ट से, अगर वो बदल गया है तो उसके बाद भी, वो इसका मतलब है कि वो अपने पास्ट से बाहर नहीं निकला। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य पर चलें।